जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 51, 52, 53, 54, 55 पर चर्चा करेंगे। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम यम। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखते वे वास्तव में सच्चे योगी हैं। वे कर्म के परिणामों से स्वयं को अलग कर लेते हैं और इस प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक की शिक्षा यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की अपेक्षा के निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे हम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यदा ते मोह कालिलम बुधिर्व्यतीत ऋष्यति तदा गतांसी निर्वेदम श्रोत्य श्रुत्य। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगलों को पार कर जाएगी तब तुम सुनने योग्य और सुनी हुई सब चीजों से वैराग्य प्राप्त कर लोगे। अर्थात जब व्यक्ति भ्रम माया और अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो वह संसार के भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि संसार में जो कुछ सुना है जो सीखा है वह सब क्षणिक है और अंतिम सत्य से दूर है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायी सहति निश्चला समाध वाचला बुद्धिस्तदा योगम वाच्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि जो कि विभिन्न मतों और विचारों को सुनकर भ्रमित हो गई है अडिग और स्थिर हो जाएगी तब तुम योग की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित दिए किम प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वह व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि है और जिसने आत्म साक्षात्कार की अवस्था यानी जिसने समाधि प्राप्त कर ली है उसकी पहचान क्या है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और चित्त स्थिर है वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता और कैसे चलता है। श्री भगवान वाच प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेते वात्मना तुष्ट स्थित प्रगस तथा उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाले सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और केवल आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है तब वह स्थित प्रग कहलाता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। अर्थात सच्ची स्थिरता और बुद्धिमत्ता तब आती है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों से ऊपर उठ जाता है और आत्मा के आनंद में लीन हो जाता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की इस खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।